नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले केना छी यहां सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनकम खमागनी हुकुम केम ते अच्छन ते की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और मजे में आपका वक्त बीत रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, बहुत ही मजे में आपने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लिया होगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 21, 22 और 23 तारीख की राशिफल, दैनिक राशिफल के बारे में कि 21 तारीख का, 22 तारीख का और 23 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहने वाला है। देवी और सज्जनों, चंद्रदेव जो है सो मिथुन राशि में रहेंगे 21, 22, 23 तारीख को। मिथुन राशि में चंद्रमा के बैठने का क्या फल आपको मिलेगा, इसी को समझना सुनना दैनिक राशि फल कहलाता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको दैनिक राशि फल के साथ साथ आपके नाम अक्षर से भी अवगत करवाऊंगा कि आपके नाम का पहला अक्षर क्या होगा, आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है जिससे कि आपकी राशि ये होगी, ये भी बताऊंगा। आपके साथ होने वाले विभिन्न घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जो अच्छा जो बुरा होगा, जो बुरी घटनाएं होने वाली होंगी उसको कैसे शांत किया जाए, कम किया जाए, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, उससे भी आपको अवगत में इस वीडियो में करवाने जा रहा हूं। तो चर्चा हम मेष राशि से शुरू करेंगे। मेष राशि वालों का देवी और सज्जनों नाम का पहला अक्षर जो है सो होता है लौ ला ली लू ले लो ओ चू चे चो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मेष हुई। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के कौन से भाव में विराजमान रहेंगे इसको देखिए। मेष वृष मिथुन कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मेष राशि वालों को क्या अच्छा और क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा, महर्षि क्या कहते हैं इसको श्रवण करें। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने से मेष राशि वालों को कुछ धन लाभ के योग बन रहे हैं। महर्षि ने किस शब्द का प्रयोग किया, कुछ धन लाभ के योग बन रहे। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि 5 रुपया का लाभ होगा, कि 5 लाख का, कि 5 हजार का, कि 5 करोड़ की, 5 अरब का। जिसकी जैसी हैसियत, जिस पर में प्रभु की जैसी कृपा, उसको उतना ही धन का लाभ प्राप्त होगा देवी और सज्जनों, क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव में मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा बैठे हैं। इतना ही नहीं, महर्षि कह रहे हैं कि धन का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ वस्त्र का सुख भी प्राप्त होगा, बढ़िया कपड़ा भी आपको जो है सो पहनने को मिल सकता है, अच्छा कपड़ा भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वस्त्रादि के सुख का भी योग बन रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में 21, 22 और 23 तारीख को अगर हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कोई इशू होगी, कोई परेशानी होगी, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगा, उस मामले में भी आप इस समय में राहत महसूस करेंगे। कह रहे हैं कि अगर दुश्मनों ने भूल से भी आपसे टकराने की गलती कर दी, आपके साथ दुर्व्यवहार करने का सोचा भी, और अगर आपको गुस्सा आ गया, तो इस समय में दुश्मनों की खैर नहीं, दुश्मनों का पराजय सुनिश्चित है। महर्षि ने दुश्मनों की पराजय जो है सो सुनिश्चित कर दी है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि महर्षि का कहना है कि इस समय में 21, 22 और 23 तारीख को
मन जो है आपका वो प्रसन्न रहेगा। इस समय में मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे आप। आपको मैं बता दूं कि प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का भी मेष राशि वालों को 21, 22, 28 तारीख में से किसी भी दिन मौका लग सकता है। आपको बंधुजनों से, भाई बंधु से भी अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी इस समय में आप बुद्धि विवेक का सहारा लेकर के आसानी से ले सकते हैं। इतना पर में ही मामला नहीं रुकेगा, व्यक्तियों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा, अच्छे लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे और उस संपर्क का फायदा भविष्य में आपको विशेष तौर पर देखने को मिलेगा। महर्षि का कहना है कि भाग्य में भी वृद्धि होगी, भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। तो मेष राशि वालों के लिए 21, 22 और 23 तारीख का समय बहुत खराब नहीं रहने वाला है। मिला जुला करके ठीक ठाक ही बीतने वाला है। मेष के बाद अब हम लोग वृषभ राशि की तरफ चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो है सो कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे। दूसरे भाव में चंद्रदेव के विराजमान होने के कारण क्या फल मिलेगा आपको, तो महर्षि क्या कह रहे हैं उसको श्रवण करेंगे। उससे पहले हम वृषभ राशि वालों के नाम का अक्षर तो जान लें। वृषभ राशि वालों के नाम का अक्षर होता है देवी और सज्जनों ई ऊ ए ओ व ह्रस्वी दीर्घवी व ह्रस्व दीर्घ वे और वो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृषभ हुई। वृषभ राशि वालों के लिए 21, 22 और 23 तारीख का समय कैसा रहेगा, दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं कि दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने से वृषभ राशि वालों को 21, 22 और 23 तारीख को असंतोष की प्राप्ति होगी। मन बहुत संतुष्ट नहीं रहेगा, मन में असंतोष का भाव जो है सो जागृत रहेगा। कह रहे हैं कि कुटुंब से भी आपका संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 21, 22 और 23 तारीख को अपने ही लोगों के साथ आपको बढ़िया संबंध, अच्छा रिलेशन रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। वहां पर में भी जो है सो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है अपने ही लोग वृषभ राशि वाले आपके साथ दुर्व्यवहार करें, आपके साथ अच्छा संबंध ना रखें 21, 22, 23 तारीख को। आंख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी है उसको थोड़ा सा वो परेशान कर सकता है। किसी प्रकार से अगर आप बीमार हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। इस समय में सही मनपसंद अच्छा भोजन जो है मिलना वृषभ राशि वालों के लिए 21, 22 और 23 तारीख को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, कार्य करने में सफलता हासिल करने के लिए भी इस समय में चार गुना परिश्रम करना पड़ेगा। जिस कार्य को करने के लिए दो कदम चलने मात्र से काम हो जाता उसमें चार कदम चलना पड़ेगा। कैसे, मान लो कि इस मार्कर का कैप खोलना है, ढक्कन खोलना है, तो ये ढक्कन खोलने की आप कोशिश कर रहे हो, ढक्कन नहीं खुला और मार्कर गिर गया। एक ही कदम में ये काम होना था लेकिन एक कदम में ये काम नहीं हुआ, फिर मार्कर को उठाना पड़ा, फिर झुकना पड़ा, उसके बाद जाकर के ढक्कन को खोलना पड़ा। तो इसी प्रकार से ये एक एग्जांपल था साधारण सा। तो इसी प्रकार से किसी काम करने में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपका मन जो है सो पाप कर्मों के तरफ ज्यादा जा सकता है। आपका मन इधर से उठ करके करेगा कि उस काम को करूं, उस काम को करूं, वो करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं, इस प्रकार की चीजें मन में ज्यादा आएंगी। जो काम सही नहीं है उस काम को करने की इच्छा आप में विशेष तौर पर में जागृत होगी, जो आपके लिए बढ़िया नहीं है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि महर्षि का कहना है
कि पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी वर्ग के लोगों को भी पढ़ाई लिखाई में खूब मन नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा उनको, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों को चाहिए कि इन 3 दिनों में संभव हो तो कम से कम 1 से 2 फूल तोड़ करके भी उजला कलर का महादेव के मंदिर में जरूर दे आए, इससे आपका कल्याण हो जाएगा, आपको ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। वृषभ के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और वृषभ के बाद मिथुन राशि की चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, बात यह है कि मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो है सो यहां पर में विराजमान हो जाएंगे कुंडली के प्रथम भाव में, इस भाव में चंद्रदेव विराजमान हो जाएंगे मिथुन राशि वालों के लिए। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रदेव के आने, कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण मिथुन राशि वालों को किस प्रकार का फल मिलेगा उसको श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले मिथुन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है उसको जान लें। मिथुन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर है को, का, की, के, को, नो, घ और छ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मिथुन हुई। मिथुन राशि वालों के लिए प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि बड़ा सुखद फल बता रहे हैं। महर्षि का कहना है कि मिथुन राशि वालों के चंद्रमा के प्रथम भाव में आने से आपको सुख और आनंद की प्राप्ति का योग बनेगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी इस समय में 21, 22 और 23 तारीख को, चाहे वो आत्मिक सुख हो अथवा शारीरिक सुख, भौतिक सुख हो या आध्यात्मिक सुख, सांसारिक सुख हो अथवा आत्मिक सुख, ये सुख किसी प्रकार का हो लेकिन उस सुख के प्राप्ति का महर्षि आपके लिए कह रहे हैं कि चंद्रमा के प्रथम भाव में बैठने कारण योग बन रहा है। कह रहे हैं कि व्यक्ति को आनंद की भी प्राप्ति होगी, कहते हैं कि आनंद ही भगवान है, आनंद जब जब आपको आता है तो सारे दुख कष्ट को आप भूल जाते हैं, वो आनंद ही भगवान है, आनंद की प्राप्ति करने के लिए ही भगवान की पूजा की जाती है। आप चाहते हो कि मेरे जीवन से दुख दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए और केवल आनंद ही आनंद आते रहे, उसी आनंद कंद की प्राप्ति के लिए, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए ही आप ईश्वर की भक्ति करते हो, तो उस आनंद की भी प्राप्ति आपको इन 3 दिनों में 21, 22 और 23 तारीख को महसूस होगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि अगर किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू है, परेशानी है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, बढ़िया खाना पीना प्राप्त होगा, वस्त्र का सुख भी प्राप्त होगा, सैया सुख की प्राप्ति का भी योग बन रहा है, यानी कि आनंद की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई, रोग में राहत मिला और बढ़िया खाना भी भगवान की कृपा से आपको प्राप्ति हुआ और बढ़िया भोजन के साथ साथ वस्त्र की भी प्राप्ति हुई और सैया सुख की भी आपको प्राप्ति हुई। देवी और सज्जन, इतना ही नहीं, मिथुन राशि वालों को अपने लविंग पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ वक्त बिताने का, संभोग करने का अवसर भी प्राप्त। देवी और सज्जनों, उपहार और धन प्राप्ति का भी कुछ योग बन रहा है, हो सकता है कहीं से आपको उपहार मिल जाए, हो सकता है कहीं से आपको कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, तो मिथुन राशि वालों को भी किसी भी प्रकार के कोई भी उपाय को करने की आवश्यकता जो है सो नहीं है। मिथुन हमारे राशि चक्र का तीसरा राशि है, मिथुन के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और कर्क राशि की चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, चंद्रमा जो है सो कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का 12वें भाव में प्रवेश करना आपके लिए कैसा फल देगा,
इसको तो हम सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले कर्क राशि वालों का नाम अक्षर जान लें। कर्क राशि वाले लोग जिसके नाम का पहला अक्षर होता है ह, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कर्क हुई। आपकी जो राशि है वो कर्क हुई, इसमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम क्यों ना शुरू हो। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का बैठने का क्या फल है? महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के बैठने से 21, 22 और 23 तारीख को कर्क राशि वालों को कुछ शारीरिक कष्ट का सामना करना कर सकता है। कुछ हेल्थ वाइज इशू जो है सो आपको कर्क राशि वाले परेशान कर सकती है। आंख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है उसको थोड़ी सी विशेष परेशानी ये दे सकता है, यानी कि नेत्र से संबंधित परेशानी का कुछ योग बनाएगा। धन की कुछ हानि और मान सम्मान में भी कर्क राशि वाले कुछ कमी का योग आपके लिए चंद्रदेव बना रहे हैं। इसीलिए पैसों को पकड़ के रखो और ऐसे जगहों पर जाने से बचो जहां पर मैं आपको शक है कि आपका अपमान हो सकता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इस समय में बच्चों का सहयोग भी आपको कम प्राप्त होगा। आपकी संतान ही आपका कहना 21, 22 और 23 तारीख को नहीं मानेंगी, इसीलिए उनके साथ ज्यादा वाद विवाद करने का प्रयास आप बिल्कुल भी ना करें। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, खर्चा आपका अधिक हो सकता है, इसलिए सावधान, आपको इस प्रकार की चीजों से बचना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि अपना ही नुकसान हो। कर्क राशि वालों के लिए उपाय है कि नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 21, 22 और 23 तारीख को कम से कम एक एक माला जरूर जाप करें, इससे आपका कल्याण होगा। कर्क हमारे राशि चक्र का देवी और सज्जनों चौथा राशि है। अब हम लोग चौथे राशि से पांचवें राशि की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 11वें भाव में चंद्रदेव प्रवेश करेंगे। कुंडली के 11वें भाव में प्रवेश करने से क्या फल मिलेगा उसको कहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति का नाम म, मी, मू, मे, मो, ट, टा, टी, टू, टे, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर शुरू होता है तो उसकी राशि जो है सो सिंह हुई। सिंह राशि वालों के लिए महर्षि क्या कह रहे हैं कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा के बैठने का फल? तो महर्षि कह रहे हैं कि सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपके आय में वृद्धि का योग बन रहा है, यानी कि सिंह राशि वालों के आय में वृद्धि होगी, दो पैसा ज्यादा आएगा, व्यापार से भी पर्याप्त लाभ की प्राप्ति होगी, बच्चों से भी सुख का प्राप्ति होगा, बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, वहां से भी लाभ होंगे और संतान भी आपका कहना मानेंगी, बच्चों से भी सुख प्राप्ति का योग बनेगा। कह रहे हैं कि उत्तम भोजन, बढ़िया भोजन समय पर में आपको सिंह राशि वाले प्राप्त होने का योग है। मन प्रफुल्लित रहेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, इतना ही नहीं स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलेगा और तरल पदार्थ के काम करने वाले लोगों को आय में विशेष बढ़ोतरी की संभावना दिखाई, हर मामले में ये समय बढ़िया उत्तम रहने वाला है, कहीं से कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों को भी किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता जो है सो नहीं। सिंह के बाद अब हम लोग कन्या राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे।
चंद्रदेव का कुंडली के दशम भाव में प्रवेश करना कैसा फल देने वाला है, तो महर्षि कहेंगे क्या उसको बाद में सुनेंगे, पहले कन्या राशि वालों का नाम अक्षर तो जान लें। कन्या राशि वालों का देवी और सज्जनों नाम का पहला अक्षर होता है प, पी, पू, पे, पो, ढो, मूर्धन्य ष, वरिण और ठ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कन्या हुई। कन्या राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों ये समय कैसा रहेगा, महर्षि क्या कह रहे हैं उसको श्रवण करें। कुंडली के दशम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि कन्या राशि वालों के सभी अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। कन्या राशि वाले जिस कार्य को भी करने की कोशिश करेंगे 21, 22 और 23 तारीख को अगर ऊपर वाला मेहरबान रहा तो हर कार्य में आपको कुछ न कुछ सफलता निश्चित तौर पर हाथ लगेगी। आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों कि महर्षि कह रहे हैं कि सभी कार्य बड़े ही आसानी से और सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। और क्या कह रहे हैं, तो और कह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य भी इस समय में मिला जुला करके ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से, सीनियर के तरफ से, अपने बिजनेस व्यवसाय के तरफ से कहीं ना कहीं से जो है तो कुछ न कुछ धन लाभ का विशेष योग आपके लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों आगे महर्षि का कहना है कि धन के साथ साथ सम्मान की भी प्राप्ति होगी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान भी आपको मिलेगा, नौकरी में भी पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कुछ ऐसा कार्य आपके हाथों से हो सकता है जो भविष्य में आपके लिए वो प्रमोशन का रास्ता तैयार कर दे। आपसे जो सीनियर अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, वहां से भी कहीं कोई दिक्कत की बात जो है सुन नहीं है। उत्तम गृह का सुख भी आपको मिलेगा, बढ़िया गृह सुख मिलेगा, हर जगह से बढ़िया रहेगा, कहीं कोई समस्या कहीं कोई दिक्कत की बात जो है सो है ही नहीं। तो कन्या राशि वालों के लिए भी देवी और सज्जनों हमारा ये समय बढ़िया रहेगा। कन्या के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और तुला राशि की चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। कुंडली के नवम भाव में चंद्रदेव के विराजमान होने से यहां पर में कैसा फल मिलेगा उसको तो हम श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले तुला राशि वालों के नाम का पहला अक्षर तो जान लें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर र, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते होता है उस व्यक्ति की राशि जो है देवी और सज्जनों वो तुला होती है। तुला राशि वालों के लिए नवम भाव में चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं है। महर्षि कह रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए नवम भाव में चंद्रमा के बैठने से नौकरी करने वाले लोगों को राज्य के तरफ से, सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से, सीनियर के तरफ से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से तुला राशि वालों को परेशानी आने की संभावना 21, 22 और 23 तारीख को दिखाई दे रही है, इसीलिए सतर्क रहना है, सावधान रहना है। कह रहे हैं कि जो बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको व्यवसाय में भी बिजनेस में भी कुछ नुकसान की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उस नुकसान से कैसे बचना है ये आपको सोच करके चलना है। बच्चों के साथ ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा उनको आदेश देने की, ज्यादा उनके साथ फॉर्मल होने की, बहुत ज्यादा कड़ा होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तुला राशि वाले देवी और सज्जनों महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, आपका स्वास्थ्य भी इस समय में तुला राशि वाले कुछ नरम रह सकता है, कुछ हेल्थ वाइज इशू का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। देवी और सज्जनों जिस किसी भी व्यक्ति को उदर अथवा छाती से संबंधित परेशानी है वो और ज्यादा सतर्क रहें। आपका भाग्य इस समय में साथ कम देगा,
दुश्मन कुछ परेशान कर सकते हैं और अपने से बड़े बुजुर्ग सीनियर सरकार अधिकारी इन सब के तरफ से भी कुछ परेशानी आ सकती है। तो इन सब मामले में जो है सतर्क रहने की आपको तुला राशि वाले आवश्यकता है। आपके लिए उपाय ये है कि नमो चंद्रमसे नमः अथवा ओम चंद्रमसे नमः अथवा ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का एक माला 21 22 और 23 तारीख को जरूर जाप करें। इससे आपका कल्याण होगा, इससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो तुला की बात खत्म हो गई। अब तुला के बाद अब राशि का नाम हो गया वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रदेव आ जाएंगे। कुंडली के अष्टम भाव में आने से वृश्चिक राशि वालों को क्या परेशानी होगी वो तो सुनेंगे, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के नाम का पहला अक्षर कंफर्म कर लें। वृश्चिक राशि वालों के नाम का पहला अक्षर है तो, न, नी, नू, ने, नो, या, यो, हरस्वी, दीर्घ, यू और हरस्व दीर्घ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृश्चिक हुई। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा आपको मैं बताऊंगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में यहां पर में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, जिसके कारण से वृश्चिक राशि वालों को 21, 22 और 23 तारीख को अपच की समस्या आ सकती है। श्वास से संबंधित परेशानी जो है सो आपको कुछ परेशान कर सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि इस प्रकार की चीजें कुछ आपको परेशान कर सकती है। छाती से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो आप थोड़े से परेशानी में जरूर आ सकते हैं, इसलिए सावधान। इतना ही नहीं, किसी के साथ लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद करने से अगर बचेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि हो सकता है कहीं पर में आपके साथ किसी का वाद विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको मानसिक तौर पर में भी कुछ कलेश का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी इस समय में नहीं रहने वाली है। नियत समय पर यानी कि सही समय पर बढ़िया भोजन मिलने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अचानक से किसी प्रकार का कोई कष्ट भी आपको ग्रसित कर सकता है और धन के हानि का भी योग है, इसीलिए उस कष्ट से बचते हुए और धन हानि से भी बचने का प्रयास करेंगे। पैसा को थोड़ा से सही तरीके से पकड़ के रखेंगे, खर्च ज्यादा नहीं करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो आपको यही चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ भारी नुकसान जो है सो पहुंचा सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय की बात की जाए तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जो है सो आपको जाप करने की आवश्यकता है। इस मंत्र का अगर आप सही तरीके से जाप करते हैं, एक एक माला 21, 22 और 23 तारीख को, तो वृश्चिक राशि वाले ये चंद्रमा का अष्टम भाव में बैठना, मार्केश का योग बनाना, बहुत खराब स्थिति भी आपका बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वृश्चिक के बाद अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, धनु राशि की तरफ बढ़ेंगे। धनु राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहे? धनु राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान रहे। सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने से क्या फल मिलेगा उसको श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि धनु का पहला अक्षर क्या होता है। यो, यो, भा, भी, भे, घ, फा और ढ़।
इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो धनु हुई। धनु राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, महर्षि का क्या कहना है सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने कारण, आइए उसको श्रवण करते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि सप्तम भाव में गोचर स्थान में गोचर वस्त्र अगर चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में आ गया तो आपके लिए जो है सो ये धन लाभ का योग बनाएगा। चंद्रमा आपको धन का लाभ देगा, कहीं ना कहीं से आपके पास में पैसा आने की प्रबल संभावना जो है सो चंद्रमा बना करके रख देगा, आपको निश्चित तौर पर में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं कि आपको जातक को पर्याप्त काम सुख की भी प्राप्ति होगी, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी धनु राशि वालों को खूब मिलेगा और छोटी मोटी लाभदायक यात्राएं भी करने को आपको मिल सकती है धनु राशि वाले। इतना ही नहीं, वाणिज्य और व्यवसाय में भी धनु राशि वालों को विशेष लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तम भोजन, बढ़िया पेय पदार्थ, स्वयं सुख की प्राप्ति का भी विशेष योग धनु राशि वाले आपके लिए बन रहा है। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, वाहन की भी प्राप्ति, वाहन के सुख की भी प्राप्ति, ख्याति की भी प्राप्ति, हर मामले में धनु राशि वाले सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। धनु के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मकर राशि की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में बैठ जाएंगे। छठे भाव में चंद्रमा के बैठने से मकर राशि वालों को क्या फल मिलेगा, मकर राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है ज, जा, जी, खी, खू, खे, को, गा, गी। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो मकर हो। छठे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि मकर राशि वालों को विशेष धन प्राप्ति का योग बन रहा है, विशेष धन का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेंगे, यश में भी वृद्धि होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, पुरुषों का महिला से संपर्क बढ़ेगा और महिलाओं का पुरुषों के साथ संपर्क बढ़ेगा, अपने घर में भी सुख की प्राप्ति होगी, शत्रु का नाश होगा, रोगों का नाश होगा, लेकिन खर्चा थोड़ा सा अधिक हो सकता है। यानी कि मकर राशि वालों के लिए भी देवी और सज्जनों ये जो समय है सो मिला जुला करके ठीक रहने वाला है, खराब नहीं है। बात रही कुंभ राशि वालों की, कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे जिसके कारण से महर्षि कह रहे हैं कि आपको यात्राओं में कष्ट और दुर्घटना की संभावना कुंभ राशि वाले दिखाई दे रही है। कार्य सफल होने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मन में अशांति का भय रहेगा, धन हानि हो सकती है, पेट से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है, काम और वासना विशेष तौर पे परेशान कर सकता है और इस समय में आप किसी को ना ही उचित सलाह देंगे और ना ही किसी से उचित सलाह लेंगे। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए भी जो है सो समय थोड़ा सा विपरीत रहने वाला है। अब मीन राशि की चर्चा करेंगे, मीन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, आइए उसको सुने। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रदेव चले जाएंगे जिसके कारण से स्वजनों से विवाद का योग बनेगा और अपने ही लोगों के साथ टेंशन तनाव, मन चंचल रहेगा, छाती में विकार की संभावना, भोजन सही समय पर में बढ़िया मनपसंद ना मिलना, नींद में बाधा आना, जल और स्त्री से भय, जल और पुरुष से भय, समाज में अपमान का भय और जीवन साथी के अपोजिट जेंडर से सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि वहां से आपको कुछ खतरा भी परेशान कर सकता है। तो देवी और सज्जनों यही थी 21, 22 और 23 तारीख की राशिफल जो हमने आपको बताया। अभी पीछे म्यूजिक बजना शुरू हो चुका है, जन्माष्टमी है, इसीलिए हमने इस वीडियो को जल्दी जल्दी में खत्म कर दिया क्योंकि अगर आवाज उधर से आ गई इधर तो फिर हमारे चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा और जो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।